हाउ टू गेट मोर किल्स इन मिनी मिलिशिया। तो भाई यार मैं आ चुका हूँ एक और मजेदार वीडियो लेकर के, और इस वीडियो में आज मैं आप लोग को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक को जानने के बाद आप लोग भाई अगर 2 किल करते हो, 5 किल करते हो, 10 किल करते हो, बहुत होता है 15 किल भी कर लेते हो ना, लेकिन ट्रिक जानने के बाद आप लोग भाई ज्यादा से ज्यादा किल्स निकाल पाओगे। 25 किल, 27 किल, 28 किल, कभी कभी तो 30-32 किल भी निकाल लोगे, और अगर अच्छा खेलने लगे तो भाई 35-40 भी चले जाओगे। लेकिन आपको भाई ज्यादा से ज्यादा किल निकालने के लिए कुछ ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा और कुछ बेसिक चीजें उसको जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो का एंड तक देखना, बीच में स्किप करके नहीं जाना, नहीं तो आप कंफ्यूज रह जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ जिसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यार, आज भी मिनी मिलिशिया बहुत सारे लोग इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन उनको सेटिंग्स के बारे में नहीं पता होता है। अगर आज भी आप लोग भाई डिफॉल्ट सेटिंग्स पे खेलते हो तो अपनी सेटिंग सुधार लो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, चेक कर लेना, अपनी सेटिंग सही कर लो। सेकंड चीज आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप लोग का भाई फुल्ली अपग्रेड गन नहीं है तो भाई थोड़ा मुश्किल हो सकता है ज्यादा किल निकालना। तो इसीलिए आप कोशिश करो जल्दी से जल्दी सारे गन्स को अपग्रेड कर लो, या फिर गन अगर डुअल नहीं हुई तो डुअल कर लो। इस पे आप ज्यादा डैमेज दोगे और इस पे आपका ज्यादा किल भी निकल जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई जल्दी से जल्दी गन को कैसे अपग्रेड करें या फिर डुअल कैसे करें। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, चेकआउट कर लेना। अब मैं आप लोग को तीसरी बेसिक चीज बता देता हूँ, आप लोग को भाई टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करना है। अगर आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे स्किल्स को मेंटेन कर पाओगे, कैसे प्रो बनोगे, कैसे सामने वाले एनिमी को किल करोगे। अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं भाई, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, Part 1, Part 2, Part 3 करके 3 वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, चेकआउट कर लेना। हर एक पार्ट में आपको 5 नए टिप्स देखने को मिल जाएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ये कोई बेसिक ट्रिक तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, आप अगर 2 फिंगर प्लेयर हो तब भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है आपको ज्यादा से ज्यादा किल निकालना। अगर आप 3 फिंगर 4 फिंगर प्लेयर हो तो भाई बल्ले बल्ले आप ज्यादा से ज्यादा किल निकाल पाओगे, और मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ इस ट्रिक को आप फॉलो कर पाओगे। तो अब बात कर लेते हैं भाई वो कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसको जानने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा किल निकाल पाओगे। बहुत ही आसान है, आपको हमेशा रस करके खेलना है। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है, वो नॉर्मली खेलते हैं, गन वगैरह लूट लेते हैं, हीलिंग के पास बैठे रहते हैं, एनिमी का इंतजार करते हैं, जब सामने वाला एनिमी आता है तो वो किल करते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हो तो ये मत करो, आप रस करके खेलो, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे भी एनिमी स्पॉन करता है वहीं पे भाई फाइट करके वही किल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलता है और आप इंतजार करते रहते हो कि एनिमी आए तो मैं उसे मारूं और मुझे किल मिले। तो इसी वजह से आपके किल हमेशा एवरेज रहते हैं 10-12-13। लेकिन अगर आप रश करते हो भाई, आप बंदों के पास खुद जाते हो, उन्हें किल करते हो, और आपको थर्ड पार्टी का भी मौका मिल जाता है, कभी कभी नेट फेंक दिया तो उससे भी आपको किल ज्यादा मिल जाता है। तो हमेशा कोशिश करो रस करके खेलने का। हाँ मैं मानता हूँ कि शुरू शुरू में जब आप रस करके खेलोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, ज्यादा किल्स निकाल नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपने रस करना सीख लिया ना तो पक्का बता रहा हूँ आप हर एक मैच में भाई 25-30 किल आराम से लेके चले जाओगे। तो भाई यार आप में से कितने सारे बंदे रस करके खेलते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई भी बंदा चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। तो भाई यार क्या आप लोग ने मैग्नम ओनली चैलेंज इन मिनी मिलिशिया वाली वीडियो देख ली, और अगर अभी तक नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, आपके राइट स्क्रीन पे ये रहा, टैप करके वीडियो को पूरा देख लेना। और अगर आपको नहीं पता है डबल डेजर्ट ईगल वर्सेस सिंगल हंटिंग पिस्टल में से कौन सी गन ज्यादा पावरफुल है, कोई बात नहीं, इस पे भी वीडियो बना दिया है, लेफ्ट स्क्रीन पे ये रहा, टैप करके वीडियो को पूरा देख लेना।